6 जून नूं अतवाद खालसा दिवस मनाया जाएगा। यह बयान शिवसेना के आगू वालों दिता गया सी, जो उन्होंने लिए हुण महंगा साबित हो रहा, क्योंकि जदों इस सारी घटना का सिख जथेबंदियों नूं पता लग्या तो हुशियारपुर के दसूहा रोड से इकट्ठे हो गए, जिथे प्रोग्राम रखण की गल आखी गई सी। सिख जथेबंदियों ने शिवसेना के खिलाफ जम के नारेबाजी की, माहौल तनावपूर्ण हो गया। सिंघा ने प्रशासन को मांग की कि शिवसेना आगुआ के खिलाफ कार्रवाई की जाए। 1984 होया ही उस घलूघरे शहीदी दिहाड़े समागम चल रहे, साढ़े पूरे संसार भर के कुछ शरारती अंसर जो शिवसेना कह के वो शरारत करके जां किसी मीडिया राही जां किसी अखबार राही वो एक भड़काऊ बयान दे के जिहड़ा संगतां दे मन नूं बहुत बलूंदरिया जांदा वो बड़ा एक दुखदाई होया। अज दसूहे दे विच उस बारे गल चल रही है, विचार वटांदरा हो रही है, सारा सिख पंथ कतर होया ही। उहने दित्ते होए टाइम ते वो आया नहीं, तो प्रशासन को एक मंग पत्र दिता गया ही साडा कल सारियां जथेबंदियां वल्लों रल के, दास वल्लों भी, मिसल श्रोमणी भगत धन्ना जी तरना दल वल्लों भी, तो साढ़े सत्कार कमेटी सिंह साहब बाबा दविंदर सिंह जी, बाबा गुरजीत सिंह जी, जो इन सारिया संस्था वालों होर सारिया संस्था वालों सिख पंथ वालों एक रिमाइंडर दिता गया ए टी एम साहब नूं, डिप्टी साहब नूं, कि ये जिहड़े पंथक विरोधी जां धर्म नूं कोई ठेस पहुँचाते ने जां अमन शांति देश विच भंग करनी चाहते ने, इन्हां दे खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके इन्हां नूं इस तरह के कारजां तों रोकिया जाए। जदों कोई समा इस तरह का आउंदा ये अमन शांति भंग करते हैं, जिस तरह के एक मीह पैंदा ते बरसाती डड्डू बाहर आउंदा उस तरह ये उस समय ते बाहर आउंदे ने, कोई इन्हां दा करम है। जिस तरह मिट्टी दे विच ही डड्डू रहिंदा उस छप्पड़ दे विच ही रहिंदा, ये अपने छप्पड़ दे विच आरामदारी नाल उस तरह ही रहण, ते देश दा जिहड़ा माहौल उहनूं अमन शांति दे विच रहिण दित्ता जावे। वाहिगुरू जी का खालसा। अज 6 जून हैगा आ सिख इतिहास दे विच एक अहम दिन मन्निया जांदा, की कहना चाहुंदे हो? वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अज 6 जून नूं श्री अकाल तख्त साहब विखे जो भारतीय फौज ने साढ़े अकाल तख्त साहब नूं ढह ढेरी किया, अज वो दिन असी सारे जगत में वो अज मना रहे हैं। सो किते किते जिहड़े शरारती अंसर आ शिवसेना वाले साढ़े संतां दे साढ़े शहीद सिंघां दे जो वक्रे वक्रे कल दे उन्होंने बयान दिते सीगे कि असी मुकेरियां विच जां दसूहे विच जां टांडे विखे इन्हां दे पुतले आपां साड़ांगे। सो अज सारे साढ़े मुकेरियां तो सिख जथेबंदियां सारे वीर आपां इत्थे जो मुकेरियां रैसट हाउस लागे खड़े हाँ, सानूं इत्थे पता लगा आ कि अज इत्थे दे संतां दे पुतले फुकणे, आपां इत्थे खड़े हाँ। बिल्कुल आपां शिवसेना नूं इह गल कहना चाहुंदे हाँ कि बंदे बंदे बण जाओ बंदे, आपां अज भी इन्हां दे जो शहीद सिंह साडे आ आपां अपनियां जानां कुरबान करन नूं अज भी इन्हां दे खड़े हाँ। जिहड़ा भी साडे शहीद सिंघां दा जां संतां दा जां होर साडे शहीद सिंघां दा कोई पुतला फूकण दी कोशिश करांगे ते आपां बिल्कुल जिहड़ियां बर्दाश्त नहीं करांगे, क्योंकि साडे जिन्हां ने कुरबानियां दित्तियां बड़े साडे सत्कारयोग आ संत जरनैल सिंह खालसा भिंडरां वाले। सो कई शरारती अंसरां ने जिद्दां अमृतसर विखे जां होर इन्हां दे इंदिरा गांधी दे बेअंत सिंह वर्गियां दे जिन्हां ने साडे सिखां दा कतलेआम कराया उन्हां दे वोट लगे आ। सो राजपुर वाले साडे सिंघां ने वो पोस्टर वो पार दित्ते सी ते बहुत वधिया कीता। आपां सरकार नूं प्रशासन नूं इह मंग करदे आ कि साडे जिहड़े सिंघां दे आ कोई भी वह परचा ना किया जाए। सो धन्यवाद आ सारे वीर का इतने, तो सो आप अच्छे मकीरिया खड़े हाँ जी। वाहेगुरू जी का खालसा, वाहेगुरू जी की फतेह। उधर मामला भगदा देख के पुलिस ने निहंग सिंघा दे नाल गलबात की, मामला सुलझाने की कोशिश की। पोस्ट पाई थी फेसबुक के उत्ते जिथे उन्हें सुबह विखे प्रोग्राम रखा है, तो उस संबंधी अब जथेबंदियां कट्ठिया हुई सन, तो इस संबंधी असं उसके घर गए सन, वो घर अपने नहीं हाजिर मिले। उसके परिवार ने सारी सिख जथेबंदियों वालों तो माफ़ी मंगी है कि वो इस तरह का गांह तो कोई हरकत नहीं करेगा तो ना वो अज करेगा। इस संबंधी उसने सानू व्हाट्सएप के उत्ते भी अपनी परसनली वीडियो पाई है जिदेज
ਰਜਿੰਦਰ ਠਾਕਰ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹਨੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਆਪਣੀ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਫੈਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਪਤਾ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ। ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਆਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਆਨ ਲਵਾਏ ਆਪਣੇ, ਮੈਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ, ਸਿੱਖੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਰ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ। ਸੋ ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਸਾਲ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਲੋੜ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ 'ਤੇ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, T5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। T5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।